आने वाले हैं सो घर जाएंगे। नहीं, देखो जरा सा इसको, फैक्टराइजेशन यस सर। और पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर लिखा हो, जैसे देखो मान लो कि 12 है, 12 का फैक्टर क्या होगा, किससे किससे 12 कटेगा, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया निकालना। जब हम आसान देखेंगे तो कैसे होगा, तो देखो ऐसे होगा, यस 1 इधर लिखती हो ना, तो बीच में ब्रैकेट दे सर। दो, 1 इंटू कितना, 12, 12, 2 देती हो, 2 इंटू कितना करेंगे तो 12 आएगा, 6, 3 सिक्स देते हैं, 3 इंटू कितना करेंगे तो 12, 4, फोर ये इस तरह से बनाने में हमको आसान हो जाता है, ठीक है। ये उसी तरह से मान लो 24 का निकालना है, क्या करेंगे, एक तरफ 1, दूसरी तरफ क्या, 24, 24 2 क्या होगा, 12, 12 3, 8, 2, 8 4 और 6, देखो कितना आसानी से लिखा गया और कितना अच्छा से लिखा गया, ठीक है। तो इस यस तरह से तो फैक्टर्स को, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये जो 12 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2, 3, 2, ये क्या है, इसका फैक्टर्स है। फैक्टर जब हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर फैक्टर्स, और लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। एंड वी राइट अ मल्टीपल्स इंटू क्या है, फैक्टर्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, फैक्टराइजेशन। पॉलिनोमियल तो बता चुके हैं, नो सर, पॉलीनोमियल अभी नहीं हुआ है। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन तो कम से कम बताए हैं ना, पोली मतलब होता है मेनी, तो यस सर बताएं, नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स, मतलब मेनी, तो चैप्टर ये बोल रहे थे। मेनी टर्म्स हो गया पॉलिनोमियल। वही है कि जैसे ये जो है एग्जाम्पल ऑफ क्या है, इसका फैक्टर है एक्स माइनस टू, इसका फैक्टर है, कैसे निकाले, अगर हम डिवाइड करेंगे पूरा पूरा रिमाइंडर अगर 0 आ गया डिवाइड करने पे, समझ जाएंगे फैक्टर है। चलो देखते हैं, ये इसका फैक्टर है, कैसे पता करेंगे, डिवाइड डिवाइड करने करने पे, तो इसको डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो पहला हम टर्म देखते हैं जो वेरिएबल वाला है, उसको क्या करेंगे जो कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर बाकी कुछ भी हो, माइनस 2 इंटू एक्स क्या होगा, -2x मेरा कर्सर दिख रहा है क्या, यस येलो वाला, सर, हाँ देखो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, यहाँ माइनस लगाए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यस ये चला गया, माइनस 3x और प्लस 2x यानी माइनस एक्स, -1 है, यस हाँ और क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2, देखो +2 तो तो हम क्या लगाएंगे, माइनस एक्स है और यहाँ एक्स है, यानी माइनस 1 लगा दें, -1 यस कट हो सर, जाएगा, ठीक है, क्या यस सर, हो जाएगा, माइनस 2x और एक्स माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस 2 हो जाएगा, देख लो काम यस बन गया मेरा, एक्स है यहाँ पे और माइनस 1 तो माइनस एक्स, अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस ये कट गया 0, क्या निकला कि जीरो है, ये एक्स माइनस 2 इज द फैक्टर एक्स ऑफ ये, और एक्स माइनस 2 ही केवल नहीं, ये क्या है, डिग्री इसका कितना है, 2, हाईएस्ट टू पावर जो है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री, थ्री ठीक है। तो डिग्री 2 है मतलब मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होगा इसका, हमको दिख रहा है कौन कौन 2 फैक्टर्स है, एक तुम्हारा एक्स माइनस 2 है और एक जो इधर निकला 2x माइनस, एक्स तो ये तो डिवीजन से हम बता दिए, प्रूफ कर दिए कि हाँ जी सही है, लेकिन जब मेरे पास आइडेंटिटीज रहेगा, मेरे पास फॉर्मूला रहेगा, तो हम फटाफट निकाल देंगे, जैसे ये वाला, इसका आइडेंटिटी तुमको पता है, ये है क्या बेसिकली, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लिख सकती हो ना, क्या लिख सकती हो,
लिख सकती हो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर कह सकती हो कि नहीं? यस ये है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? सर, माइनस ए बी इंटू ए प्लस प्लस बी यस सकते हैं इसको उसी हिसाब से, एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस वन से पूछा है कि बोलिए एक्स प्लस वन फैक्टर है कि नहीं? वन स्क्वायर कैसे हुआ सर? वन का स्क्वायर भी कर दो तो वही चीज़ है ना, वन ही आएगा ना। यस आपके सर, फायदा के लिए ये काम किए हैं ताकि और आपका उसके दूसरा जगह पर कोई डिजिट होता तो सर? होता तो उस हिसाब से बैठाते, यही तो दिमाग है फैक्टराइजेशन का। यस ठीक है, तो यस क्लियर हो गया ये? हाँ, अब देखो यस कह रहा है कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन जो तुम्हारा है वो टू एक्सप्रेस अ गिवेन पॉलिनोमियल एज ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी बताए थे कि अगर मल्टीपल्स के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में अगर हम लिख देते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ गिवेन पॉलिनोमियल, सच दैट नो सच अ फैक्टर है। इतना लंबा चौड़ा लिखा है, इसका जो डिग्री क्या था, टू था, यस लेकिन ये दोनों का डिग्री क्या है, वन। वही कह रहा है ये चीज़, जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर जो है हमेशा उससे कम डिग्री का होगा। ठीक है, यही चीज़ ये बोल रहा है। यस तो इट इज़ ईजी टू वेरीफाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो है वो, ये तो क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, ये तुम्हारा इस तरह से लिखते हैं। तो कुछ आइडेंटिटी है जो तुमको जानना चाहिए, और हम बता चुके हैं क्लास 8th में ये सब आइडेंटिटी, बताया कि नहीं? यस सर, ए बताएं। स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, प्लस फोर सर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, यस ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तुम इसको प्रूव भी कर सकती हो, लेकिन बता चुके हैं ऑलरेडी, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस सम फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन, वो और आसान हो गया तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। प्रूफ सर, प्रूफ कैसे करेंगे सर? तो हम करके बताए थे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, इसको दो बार मल्टीप्लाई, तीन बार मल्टीप्लाई। यस आवाज़ धीमा मतलब समझ में नहीं आया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस बी का होल स्क्वायर यही ना हुआ, ये सर, ए इसको इंटू मल्टीप्लाई इनवर्ट करो, ए इंटू ए प्लस बी बता चुके हैं, प्लस और बी, कर देंगे सर। ए प्लस बी का होल क्यूब ए को बता देते। ए प्लस बी का होल क्यू, ये वाला देखो यस सर, बता रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी कह सकते हैं कि नहीं? यस सर, तीन बार गुना है ना, तीन पावर है, तो दो पावर और एक पावर, और सेम ही पढ़ाए थे कि ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन क्या होता है, ए टू दी पावर एम प्लस एन, अगर सेम ही चीज़ यस हो पावर अलग अलग हो तो जुड़ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, यही सर, चीज़ हुआ कि दो प्लस एक नीचे तो सेम ही है, इस तरह से कह सकते हैं। तो तुम जानती हो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ये, टू यस सर, ए प्लस बी, अब मल्टीप्लाई कर दो एक बार, ए से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो क्या होगा, ए क्यू प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, जब बी से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बी ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है, यस सर, प्लस बी को इससे तो क्या होगा, टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या बी क्यू, सबको एडजस्ट करो, ए क्यू प्लस बी क्यू देखो यहाँ पे है, लिख दो यस बी क्यू, चलिए बड़ा पावर को पहले लिख देते हैं आसानी के लिए, यस तो बी क्यू टू ए स्क्वायर बी, देखो ए स्क्वायर बी सेम ही चीज़ है ना, राइट यस टर्म सर, जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, तो
तो क्या लिख देंगे, प्लस डी ए स्क्वायर बी, क्लियर है, प्लस ए बी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर। अब देख लो क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी कॉमन, ए बी तो दोनों में है कम से कम, ए बी ले लिए तो यहाँ ए बच गया, बी बच गया। जो तुमको बोला गया था ये, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी, ये प्रूव हो गया कि नहीं? सारा यस काम रहा सारा आइडेंटिटी को प्रूव करके भेजना हमको, ठीक है, कुछ नहीं है, यस वैसे ही गुना करते जाना है। मेरे पास सर, आया, एग्जाम में पूछता है हाँ क्या पूछ सकता है, हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको प्रूव कर लेना है, क्लियर है। सर? उसी तरह से यस ये आइडेंटिटी तुम्हारा, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी। देखो अब हर बार तो प्रूव नहीं करोगी, तो तुमको क्या करना चाहिए, ये वाला आइडेंटिटी दीवार पे चिपका लेना चाहिए, सर, रट्टा मारना चाहिए रट्टा सर। बिल्कुल मारना चाहिए। कुछ चीज़ें रट्टा मारने से काम आसान बनता है हमारा, ठीक है। यस तो ये जानते हैं कि जब एग्ज़ाम में बैठोगी या बनाने बैठोगी रूम पे, तो बना लोगी, नहीं आएगा याद, फॉर्मूला नहीं है तो तुम मल्टीप्लाई कर दोगी, लेकिन अगर तुमको याद रहेगा तो तुम्हारा काम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। यस मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, तो कह रहा है कि फैक्टराइजेशन बाई टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को बाहर लेकर के फैक्टराइज करना, जैसे कि इस केस में थोड़ा सा बढ़िया से भेजा करो, स्कैन करके, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये है कॉमन फैक्टर, कैसे लेंगे देखो, तो एक्स और एक्स इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, वन बाई एक्स और वन बाई एक्स इससे लिया जा सकता है, ठीक है। तो देखो जरा सा, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है ये वाला, यस हम क्या करेंगे, एक बार एक्स को कॉमन ले लो और एक बार लो लेते हैं, एक्स को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स माइनस टू, टू एक्स है ना यहाँ पे, तो सर तरह से लिख सकते, ये क्या किया है, टू को कॉमन लिया है, ठीक है, अगर टू को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस टू को कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस, एक प्लस ले लेंगे तब माइनस ये वाला आएगा, तो वन बाई एक्स यहाँ से कॉमन, दूसरा बच रहा था यही लिख दिया है, दूसरा कुछ नहीं, स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, क्या किया है, माइनस टू को कॉमन लिया, एक इस फॉर्म में आया और एक इस फॉर्म में, अभी फैक्टर है क्या, ये फैक्टर तभी होगा जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो अभी है नहीं, है नो सर, नो नहीं, फॉर्म सर। में जब आएगा तब हम बोलेंगे कि फैक्टर है। तो देखो तो ये सर क्या है, माइनस मल्टीप्लाई, यस सर, देखो ये ठीक है उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ से हमको कुछ दिख रहा है, यहाँ से हमको ये दिख रहा है, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है यहाँ, यहाँ से हमको ये दिख रहा है, ये कुछ नहीं बल्कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करो तो क्या होगा, स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, देखो तो क्या होगा, एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, यही ना लिखा हुआ है, यस ये दिमाग तुमको लगाना होगा कि कौन फॉर्मूला कहाँ पे होगा, ये तभी होगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, फैक्टराइजेशन सबसे कठिन है एक तरह से कहो, अगर इसका प्रैक्टिस नहीं कर रही हो तब, सारा आइडेंटिटी
एकदम याद होना चाहिए और खूब प्रैक्टिस होना चाहिए फैक्टराइजेशन का। नाइन्थ का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फैक्टराइजेशन, और तुमको अलेवेंथ में भी काम देगा, हमेशा काम देगा कोई भी एग्ज़ाम में। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी तो सिंपल सिंपल चल रहा है, और भी अच्छा अच्छा आएगा कम्प्लेक्स कम। तो ठीक है, इस फॉर्म को अब जान गए कि ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, तो इस चीज़ को, इसको हम अब आगे लिख रहे हैं। ये क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स दी होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब कुछ आसान सा लग रहा है। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स को कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में है तो ले लेते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस वन बाई एक्स अरे हाँ, टू अब आ गया ना मल्टीप्लाई में, यही सब। यस क्लियर है? पहले यस समझ में आया था देख करके? नो सर इसको नोट कर लो फटाक से, कि मैथ स्क्रीनशॉट का चीज़ नहीं है। इसको देख रहे हैं, तो ये क्या है, फैक्टराइज कीजिए इसको। देखने में इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा ये है क्या? पर है वो, होगा ही बड़ा लग रहा है तो, नहीं है उतना बड़ा। कॉमन पहले ही हम क्या देख रहे थे हेडिंग में, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन ले ले करके तो बनाने का चीज़ है, तो बनाओ कॉमन लेके। एक बार क्या किया, इसको ग्रुप्स में लिख रहा है सबको, क्या कर रहा है, ग्रुप्स में। पहले ग्रुप्स को जाने तब तो हम कॉमन क्या लेंगे देखेंगे। एक ग्रुप्स बनाया है तुम्हारा कि वन प्लस एक्स, फिर बनाया कि यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो एक ग्रुप इसका बना दिया। तुम किसी का भी बना सकती, वाई प्लस एक्स वाई। फिर देखा कि अरे यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है, क्या किया, माइनस माइनस जेड माइनस वाई जेड जेड माइनस जेड एक्स। एक्स यस माइनस जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और कहीं है क्या, माइनस वाई जेड भी लेगा, देखो माइनस वाई जेड, और माइनस क्या, एक्स वाई जेड। समझ में आया? अब ये यस ग्रुप बन गया एक तरह का, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है लेकिन क्या हुआ है, एक तरह का ये ग्रुप बन गया है। ये कॉमन यहाँ नहीं लेंगे, कॉमन यहाँ लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा बस। ठीक है, ठीक है। ये इस तरह का बना है तुम्हारे पास टोटल, पर मल्टीप्लाई दोनों लग रहा है नहीं। अब देखो क्लियर है क्या, इसको हटा सकती हो तो हटा दो, कोई फर्क नहीं। यस क्या देखे यहाँ पे, अब यहाँ से कॉमन लेना चालू करो। तो कुछ कॉमन लेने वाली बात है नहीं, प्लस वाई कॉमन ले लो तो वन प्लस एक्स बच जाएगा। का बात देखो, एक एक्स यहाँ एक यहाँ, यहीं से हमको लग रहा है कि बन जाएगा ये। यहाँ से तुम जेड कॉमन लो, माइनस जेड लिए हैं तो क्या होगा, वन, और माइनस है प्लस देंगे तब ना, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर से यस यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक yes. है, कि जेड ली हो क्या होगा, यहाँ से माइनस वाई, और माइनस यहाँ पे था, प्लस रखना होगा, अभी माइनस है, माइनस ली हो प्लस रखना होगा, एक्स वाई। ये चीज़ मेरे पास आया। अब पहले हम ये दोनों से ले लें कॉमन, वन प्लस एक्स तो बच गया वन, प्लस वाई बचा। अब दो तो मिल गया हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म, यहाँ हम क्या करेंगे? हाँ तो अभी भी हमको वही दिख रहा है, माइनस जेड इंटू वन प्लस एक्स वाई।
यहाँ भी हम कॉमन ले सकते थे फिर से हम, ठीक है, यस वन प्लस ए एक्स। तो क्या दिखा हमको कि ये वन प्लस एक्स, ठीक है, इनटू, अब हमको दिख रहा है तुमको कि ये चीज़ इतना तक हम आए, जो हम इसको अरेंज करेंगे तो इसको हम आगे अरेंज कर सकते हैं कैसे, देखो तो लिख सकते हैं ना, जेड इंटू माइनस जेड इंटू वन प्लस एक्स, ठीक है, यस और माइनस जेड वाई वाई दोनों में है, तो माइनस जेड वाई इंटू फिर से लिख सकते हैं वन प्लस, नहीं आया समझ में तो बोलो, ये समझ में तुमको नहीं आया होगा, आया क्या यस नया, तो देखो यहाँ पे y है ना यहाँ पे, और यहाँ पे y है, तो y को कॉमन ले लेते तो क्या होता, y इंटू वन प्लस एक्स होता कि नहीं, देखो तो y इंटू वन प्लस एक्स तो है, और आगे में क्या लगा हुआ है, जेड माइनस जेड इंटू वन प्लस एक्स होगा कि नहीं, ये चीज यस वन प्लस एक्स है तो आगे में जेड है, एक ग्रुप बना के लिख दिए वन प्लस एक्स इंटू जेड, ठीक है, यस अब कोई दिक्कत नहीं, नो सर वन प्लस एक्स और इंटू, अब मेरे लिए आसान है, वन प्लस एक्स कॉमन ले लो, प्लस एक्स अगर कॉमन ले रही हो में क्या बचेगा, वन प्लस वाई, इस पूरे में क्या बचेगा, वन प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो माइनस जेड, ले लेंगे वन प्लस एक्स तो क्या होगा, माइनस जेड होगा, ये तुम्हारा आंसर, क्या है, यस तो क्या हो गया यहाँ से, वन प्लस एक्स वन प्लस वाई, अब इसको भी फर्दर हम ले सकते हैं, ना चीज़ तो हमको आया कि वन प्लस वाई है, चलो वन प्लस एक्स के अंदर से तुम ले सकती हो, वन प्लस वाई लिख दो, माइनस जेड कॉमन ले लो, वन माइनस प्लस माइनस नहीं प्लस वाई, क्लियर है, फिर यहाँ से उड़ यस गया होगा तुमको, यस सर कह रही हो लेकिन उड़ गया, इस चीज को नहीं लिख सकते हैं, वन प्लस वाई तो वन प्लस वाई, जेड जेड यहाँ पे है कि नहीं, माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो ये होगा कि नहीं, ठीक यस है, अब फिर से लिखो वन प्लस एक्स, मेरा आंसर ये भी सही है, लेकिन फैक्टराइज का मतलब कोशिश करना चाहिए सबसे छोटा रूप में हम लिख दें, ठीक है, तो यस ये अब वन प्लस वाई कॉमन ले लो इसमें से, वन माइनस, क्लियर है, यस तो क्या आया, वन प्लस एक्स टू वन प्लस वाई इंटू वन माइनस, समझ में आया, यस नोट करो इसको, उड़ जाएगा तुरंत, लो दिख रहा होगा, अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है यहाँ पे कि ये 2x-3 का होल स्क्वायर 8x प्लस 12x, तो क्या देखेंगे यहाँ पे कि कोशिश करो कि इसके फॉर्म में मिल जाए मेरे पास 2x-3, एक काम तो हम कर सकते हैं कि सबको पूरा एक्सपेंड कर दें उसके बाद हम बनाने का कोशिश करें, एक तरीका ये है कि हम पढ़ रहे हैं कॉमन वाला तो आसान है, उसको तो नहीं भी दिमाग रहेगा वो भी बना लेगा, लेकिन समय लगेगा उसको कि 2x-3 स्क्वायर को पहले क्या करो, 3d होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, 8x सबको फिर बनाओ, एक एक्सप्रेशन बनाओ पॉलिनोमियल जो इतना बनता है, उसके बाद फिर से तुम फैक्टराइज करो, लेकिन यहाँ पे बुद्धिमानी क्या होगा, इस फॉर्म में लिखने का कोशिश, तो यस 2x-3 होल स्क्वायर है, माइनस 4 दोनों में कॉमन हो सकता है कि नहीं, 4
टू एक्स माइनस आगे है, माइनस डी लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, वो बन गया 2x-3, दोनों में आ गए, कॉमन ले लो 2x-3, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x-3, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x-3, वो पीछे आवाज आ रहा है 2x-3, और क्या इंटू 2x-3 -4 यानी -7, 2x-, तो आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आइडेंटिटी को तुमको बार बार पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन सही हो जाएगा तो मानो कि जीवन में तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंपटीशन वाला एग्जाम में भी बैठोगी वहाँ 2-4 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा अलजेब्रा से, और ये बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो अलजेब्रा ऐसा है कि अगर नहीं बैठा दिमाग में कभी ना बना पाओगी, उस समय में भी जो प्रेशर रहेगा टाइम का उसमें, खास करके सारा एक्सरसाइज तुमको बनाने को मिल रहा है,